अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स यूक्रेनियन रफिका। तो आज मैं अपनी सीरीज़ का पार्ट 3 शुरू करूँगी। इसमें मैं आज कोई एक या दो पर्सन का मैं कवर करूँगी क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं तो मैं एक ही मैं बता दूँगी। तो आज मैं शुरू करती हूँ मिस्टर राजकुमार शर्मा, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, बेटा लाइसेंस कितने साल में मिलता है सम एजेंट। उन्होंने कुछ न्यूमेरिक दे रखा है, 5+3 और 5+2, 5+1। बेटा कितने साल में मिलता है लाइसेंस, बताना प्लीज़ ट्रुथ। ओके, तो मैं बता देती हूँ, हमारे यहाँ पे लाइसेंस 5+1 में मिलता है, लाइक 5 ईयर की एजुकेशन और लास्ट में 1 ईयर प्लस इंटर्नशिप। तो उन्होंने फिर पूछा था सेम क्वेश्चन, बेटा लाइसेंस कितने साल में मिलता है, 6 ईयर में मिलता है अंकल। और बेटा उज़्बेकिस्तान ताशकिन में क्या, उनका जो ये सेकंड क्वेश्चन है, बेटा उज़्बेकिस्तान ताशकिन में क्या सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ मार्क्स मिलते हैं या ग्रेड सिस्टम है, प्लीज़ टेल। ओके अंकल, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, हमारे वहाँ पे जो सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज ही होते हैं, एक सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है वो एग्ज़ाम लेते हैं, मार्क्स देते हैं वो, और मार्क्स जो होता है आउट ऑफ 5 होता है, नॉर्मल डेली बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आउट ऑफ 5 वो देते हैं, और सेमेस्टर एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और ग्रेड सिस्टम नहीं है यहाँ पे, नंबर बेस होता है, आउट ऑफ परसेंटेज देखते हैं, 60% से अबव होना चाहिए, 60% से नीचे जो होते हैं बच्चे उनका वो फेल कहलाते हैं। तो 60% किसी किस सब्जेक्ट में वेरी भी करता है मार्क्स परसेंटेज। तो बस इनका क्वेश्चन इतना ही था कि, तो उनका क्वेश्चन सारे एंड हो गए, तो मैं किसी सेकंड का निकालती हूँ। एक यूज़र आईडी है जेड करके, आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा। तो उनका क्वेश्चन ये है कि दी हाउस दी मेस फूड, डू यू रिकमेंड मेस फूड फ्रॉम सेकंड ईयर और सेल्फ कुकिंग इज़ बेटर ऑप्शन। सेल्फ कुकिंग ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बना पाते हो कि नहीं, आपको पसंद है कि नहीं, वरना मेस फूड इट्स ओके, गुड, अच्छा है, आप प्रेफर कर सकते हो, अच्छी बात है, मैं अच्छा है, आप ले सकते हो। बाकी सेल्फ कुकिंग तो आप पे डिपेंड करता है, आप खाना बनाना चाहते हो कि नहीं, सेकेंड ईयर से कंपलसरी नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो। ओके, उसके बाद फिर हाँ, दूसरा क्वेश्चन, एक यूज़र आईडी है मेडिको प्लस प्लस करके, उन्होंने पूछा है, अरे समरकंद बेटर है या ताशकिन मेन। समरकंद के रैंक अच्छे हैं, ताशकिन भी अच्छा है, पर अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो मैं ताशकिन को ही सही कहूँगी, क्योंकि मैं ताशकिन की स्टूडेंट हूँ, ताशकिन जो मेन सिटी में है, जो मेन ब्रांच है, मैं उसके स्टूडेंट हूँ, मैं उसी को प्रेफर करूँगी। आई एम सो सॉरी कि मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समरकंद के बारे में उतना नहीं जानती, अगर मुझे कोई भी समरकंद से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी तो मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूज़र आईडी है आदित्य राय, उन्होंने पूछा है एंटीजन कैसा है मैम, वहाँ भी रेत से घिरा हुआ है क्या, या फरगाना आप गए हो क्या। ओके, ना ही मैं एंटीजन को जानती हूँ, ना ही मैं फरगाना गई हूँ, पर रेत से घिरा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी स्टेट जहाँ पे फॉरेन बच्चों का, फॉरेन लोगों का आना जाना है वो डेवलप कर चुके हैं, उज़्बेकिस्तान इतना भी पीछे नहीं है कि अभी भी रेत से घिरा रहे। तो मैं गई नहीं हूँ, अगर मुझे वहाँ के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊँगी आपको। और फिर दूसरा यूज़र आईडी है छोटे सिद्दीकी करके, उन्होंने पूछा हुआ है कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कुछ डिटेल बेटा बता सकती है। ओके, एडमिशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना लिया, मतलब बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप मेरे चैनल पे जाओगे, विजिट करोगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे, हाउ टू टेक एडमिशन इन ताशकंद, हमारी यूनिवर्सिटी जो है, आप वहाँ पे जाके पूरी डिटेल देख सकते हो, मैंने इसमें पूरा क्लियर कर रखा है कि आप कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क, मैं एज यूजल अपना इंस्टा आईडी ऐड कर दूंगी, आप उसमें जाके मुझे पर्सनल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर्सनल भी पूछ सकते हो, तो मैं सारी क्वायरीज आपकी पूरी कर दूंगी। और अगर आपको कोई और भी कुछ जानना हो तो यू आर रियली रियली फ्री टू कमेंट, आप कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चंस मैं आंसर कर दूंगी। आई होप कि मैंने जितने भी लोगों का यूज़र आईडी का रिप्लाई दिया है वो सेटिस्फाई है मेरे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।